बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों एंट्री गेट वहाँ पे लिखा हुआ है विश्व विख्यात श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। अच्छा जेंट भी यहाँ पे भाई लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों इस झांकी में पूतना वध दिखाया गया है श्री कृष्ण भगवान जी रासलीला खेल रहे हैं। जो हमारा चंद्रयान 3 था वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है, तो इस बार की झांकी में ये चीज भी ऐड की गई है। काफी सही लग रहा है भाई देखने में। दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला झूला भी देखने के लिए मिल जाएगा भाई, जिसे कि रेंजर झूला भी बोलते हैं। पूरे मेले का ना सबसे खतरनाक झूला यही होता है भाई, देखो ऊपर जाते ना पूरा पलट जाता है। और भाई साहब जो अंदर बैठे हुए हैं ना वो भी चिल्ला रहे हैं भाई। आपसे पता है इस बार का जो G20 समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाली झांकी भी लगाई गई है। तो यहाँ पे भाई कुछ इस तरीके से चेयर्स वगैरह लगा रखी है, काफी भव्य स्टेज बनाया हुआ है भाई। मेला घूमने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसमें वो डर रहा है वो। दोस्तों मेरे पीछे क्राउड चेक कर सकते हो भाई, किस तरीके का क्राउड रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने को नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के पंजाबी बाग में। दोस्तों यहाँ पे हर साल जन्माष्टमी मेला लगता है, इस बार भी जन्माष्टमी मेला लग चुका है। तो आज के इस ब्लॉग में सारे मेले को कवर करेंगे। और भाई ये मेला ना बहुत ही बड़े स्तर पे आयोजित किया जाता है। यहाँ पे काफी सारे आपको झूले देखने के मिलेंगे, झूले के साथ साथ यहाँ पे काफी सारी झांकियां वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। तो आज के इस ब्लॉग में सारा कुछ दिखाने वाले हैं, यहाँ की टाइमिंग वगैरह क्या है, कैसे आ सकते हैं, नियर बाय मेट्रो वगैरह क्या पड़ेगा, सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई पिछले वाले जन्माष्टमी मेले पे आपने काफी अच्छा प्यार दिखाया था, तो आशा करता हूँ इस पे भी मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे आप। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेले तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पंजाबी बाग वेस्ट का पड़ेगा, जो कि ग्रीन लाइन और पिंक लाइन मेट्रो से आप अगर आ रहे हैं तो सीधा आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो मेला लगा हुआ है उधर से आप आएंगे, और इस तरीके से आपको देखिए एंट्री गेट देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए दोस्तों एंट्री गेट वहाँ पे लिखा हुआ है विश्व विख्यात श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति पंजाबी बाग आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, एंट्री गेट बनाया हुआ है। और इस मेले के काफ़ी सारे एंट्री गेट मिल जाएंगे, एक इस तरफ एंट्री गेट बना रखा है और मेन एंट्री गेट जो है वो उस तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और बाकी साइड में देख सकते हैं इस तरह की भाई लाइटिंग कर रखी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और पूरे में मतलब ऐसे डेकोरेट कर रखा है, मतलब लाइटिंग से पूरा इन्होंने डेकोरेट कर रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। वहाँ पे G20 वगैरह का वो भी लगा रखा है। दोस्तों सबसे पहले आपको थोड़े जो मेला है उसकी डिटेल्स वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भाई बड़े बड़े में बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, 47वां विश्व विख्यात श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पंजाबी बाग, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था शुक्रवार 1 सितंबर से, चलने वाला है वीरवार 7 सितंबर तक 2023 तक, मतलब ये जन्माष्टमी तक मेला चलने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो प्रतिदिन 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और 12 बजे तक मेला चलता है। प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो भाई ये पड़ने वाला आपका जन्माष्टमी पार्क रिंग रोड वेस्ट पंजाबी बाग नई दिल्ली। यहाँ पे क्या क्या मतलब प्रोग्राम वगैरह होने वाले हैं वो भी दिखा रखा है। 1 सितंबर को देख सकते हैं अशोक खरबंदा, सुमित राहुल खरबंदा, जादुई करिश्मा, मतलब 1 तारीख को जादुई का कुछ हुआ था और 2 तारीख को ये कुछ भजन वगैरह हुआ था, ये थोड़ा सा मतलब साफ नहीं है तो मैं आपको दिखा देता। 3 सितंबर को जब हम आए हुए हैं तो संपूर्ण श्री कृष्ण लीला का नाट्य मंचन ये होने वाला है। 4 सितंबर को देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता पुनीत इसरार द्वारा जय श्री राम, ठीक है। और 5 सितंबर की बात करें तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा सोनी सब के सुप्रसिद्ध धारावाहिक ध्रुव तारा की कलाकार तारा मोहिनी नेत्र, मतलब इस तरीके की समुद्र मंथन कथा आपको देखने के लिए मिलेगी 5 सितंबर को। 6 सितंबर को आपको ये देखने के लिए मिलेगा पंकज राज भजनों की अमृत वर्षा, मतलब ये सिंगर आने वाले हैं, इनका जो आपको भजन सुनने के लिए मिलेगा। और 7 सितंबर यानी जन्माष्टमी दिन आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है सुप्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी, ये आने वाली है सिंगर, और शुभम रूपम द्वारा नंदोत्सव ये आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये बोर्ड पे जो भी डिटेल्स वगैरह तो वो मैंने आपको दे दिया, मतलब यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, 2 व्हीलर की यहाँ पे पार्किंग रहने वाली है। और भैया 4 व्हीलर की पार्किंग इधर है, 4 व्हीलर की पार्किंग, ये पेड है फ्री है या पेड है? फ्री है। अच्छा भाई जो मेले की पार्किंग आपको फ्री मिलने वाली है, इस तरफ आप 2 व्हीलर लगा सकते हैं, तो जो मैंने पहले वाला गेट दिखाया था ना उस तरफ आपको 4 व्हीलर की पार्किंग वगैरह मिल जाएगी। और दोस्तों ये रहने वाला है मेले का एंट्री गेट, मेन एंट्री गेट बनाया हुआ है, और किस थीम पे बनाया हुआ है तो थोड़ा सा मुझे समझना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा इंडिया गेट टाइप का लग रहा है, बट आप देख सकते हैं इस तरीके का एंट्री गेट रहने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको फ्री में एंट्री मिलने वाली है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो चलिए चलते हैं एंट्री लेते हैं और आपको सारा मेला जो है वो घुमाते हैं। तो झांकी वाला सेक्शन है, उससे पहले ये आपको काफ़ी बड़ा स्टेज बनाया हुआ है और इस तरीके से भाई काफ़ी सारी कुर्सियाँ यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ पे आप बैठ करके इंजॉय कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई कुछ इस तरीके से चेयर्स वगैरह लगा रखी है,
आप आ करके बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, ये देखिए ठीक है। और काफ़ी भव्य स्टेज बनाया हुआ है। अभी कुछ मतलब शायद वो सब मतलब लोगों को कुछ बता रहे हैं, तो अभी प्रोग्राम नहीं चल रहा। और वो एंजॉय करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झांकियाँ देखने के लिए इधर जाएं, तो झांकियाँ देखने का रास्ता इधर से है, तो आप इधर से जा सकते हैं झांकियाँ वगैरह देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जो झांकियाँ वाली सेक्शन है मतलब जो झांकियाँ वगैरह लगाई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये वाली झांकी देखने के लिए मिलती है, देखिए वासुदेव जी हैं जो श्री कृष्ण जी को मतलब बारिश से बचाते हुए लेके जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दर्शाई गई है। और काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं हमें मतलब देखने के लिए मिलेंगी। लाइन से सारी झांकियाँ वगैरह दिखाने वाले हैं। सबसे फर्स्ट में ये वाली झांकी देखने के लिए मिली जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। झांकी में दर्शाया गया है ये देखिए भगवान श्री कृष्ण हैं, और वहाँ पे देखिए उन्हें झूला मतलब झूला झूलाया जा रहा है। आई थिंक उनका जन्म हुआ है शायद, कृष्ण जन्म दिखाया गया है यहाँ पे। और देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आगे चले तो आगे देखते हैं और कौन कौन सी झांकी वगैरह देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण जी जो कालिया नाग का आई थिंक वध कर रहे हैं, वो चीज़ दर्शाई गई है। यहाँ पे ना ऐसे बैरिकेडिंग वगैरह लगा रखी है ताकि मतलब आने वाले टाइम में भीड़ हो तो उसको संभाला जा सके। दोस्तों इस झांकी में पूतना वध दिखाया गया है श्री कृष्ण भगवान, ये देखें इस तरीके से भाई साहब, मतलब देखने में पूरा रियलिटी जैसा लग रहा है, पूरा रियल लग रहा है देखने में। तो दोस्तों नेक्स्ट में ये वाली झांकी रहने वाली है, जो सारी झांकी है ना वो देखने में एकदम रियल जैसे लग रही है भाई, ठीक है। और ये सारी जो झांकियाँ हैं वो मूव भी करती हैं, तो देखने में काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। दोस्तों इस झांकी में दिखाया गया है श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत जो उठाया था वो चीज़ दर्शाया गया है, और देखने में काफ़ी रियल जैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई देखने में। स्पेशली मेले में घूमने आना तो जो झांकी वाला सेक्शन है जो कि आपको स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिलेगा, वो चीज़ मतलब झांकियाँ वगैरह जरूर देखना, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ वगैरह मतलब झांकियाँ लगा रखी है। दोस्तों ये देखिए नेक्स्ट झांकी रहने वाली है, ठीक है, काफ़ी सारी झांकियाँ बना रखी है। और जो भी लोग आ रहे हैं भाई मेले में, ये मतलब झांकी वाला सेक्शन जरूर कवर कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई हुई है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दिखाया गया है श्री कृष्ण भगवान जी रासलीला खेल रहे हैं, देखिए। दोस्तों इस झांकी में देखिए समुद्र मंथन दिखाया गया है, ये देखिए। दोस्तों नेक्स्ट झांकी रहने वाली है, बहुत सुंदर लग रही है ये देखिए। ये देखिए दोस्तों ये झांकी रहने वाली है, आइए और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और दोस्तों ये झांकी में दिखाया गया जब सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए उनके मतलब दरबार में आते हैं, वो चीज़ दर्शाई गई है यहाँ पे। देख सकते हैं नेक्स्ट में ये वाली झांकी रहने वाली है। दोस्तों काफ़ी सारी झांकियाँ बनाई हुई है भाई। दोस्तों इस झांकी में महाभारत को दिखाया गया है, ये देख सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस बार जो हमारा चंद्रयान 3 था वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है, तो इस बार की झांकी में ये चीज़ भी ऐड की गई है, काफ़ी सही लग रहा है भाई देखने में। देख सकते हैं भारत इंडिया LVM3 इसरो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से ये भी दर्शाया गया है। तो इस बार की झांकी में ये चीज़ भी मतलब ऐड की गई है, काफ़ी सही लगा भाई देख करके। और इसी के बगल में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है इस बार का जो G20 समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाली झांकी भी लगाई गई है। जो G20 जो भी कंट्रीज हैं उनके जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं उनको सारा दिखाया गया है। तो दोस्तों जैसे ही हम झांकियाँ देख करके आते हैं, सबसे पहले मतलब यहाँ पे सारा झूले वाला सेक्शन दिख जाता है, भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह ले सकते हैं, ये देखिए श्री कृष्ण है, ठीक है, गणेश जी भगवान। भैया क्या प्राइस रहते हैं मूर्तियों की? अलग सबकी प्राइस अलग अलग, इसकी प्राइस आपको 200 पड़ जाएगी, 200। और ये वाली ये मार्बल में पड़ेगी आपको 600। ये देखिए मार्बल में रहेगी 600 में, बहुत सुंदर मूर्ति रहने वाली है। इस तरीके से आप यहाँ पे आकर के वुडन में चाहिए तो वुडन में भी पीछे कलेक्शन हमारे पास है, वुडन में भी मिल जाएगी। अच्छा वुडन में मिल जाएगी। और लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरीके से आपको झूले वगैरह भी मिल जाएंगे, हर डिजाइन में मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए काफ़ी शानदार शानदार झूले वगैरह रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप कुछ धार्मिक पुस्तकें भी ले सकते हैं, इस तरीके से स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। इधर की तरफ देखें तो भाई आपको मतलब खाने पीने में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। इस तरफ देखें तो सारे मतलब झूले वाला सेक्शन रहने वाला है। एक एक करके देखेंगे भाई किस किस तरीके के क्या क्या झूले वगैरह लगे हुए हैं, थोड़ा इस तरफ नज़र मारेंगे तो आपको काफ़ी मतलब शॉपिंग में देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आप खरीद पाएंगे, थोड़ा सा देख सकते हैं। ये देखिए सेल लग रही है इस तरीके से, ये 100 रुपये के दो शायद सेल लग रही है, 100 रुपये के दो, 100 रुपये के दो इस तरीके सेल लग रही है। तो आप बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह ले सकते हैं इस तरीके से। भैया कितने रुपये की सेल है? 90 रुपये की सेल रहने वाली है।
आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी डॉल रहने वाली है, काफ़ी कुछ बच्चों में खिलौने मिल जाएंगे, इस तरीके के रैकेट वगैरह मिल जाएंगे। देखो ये किचन सेट वगैरह जो भी है, मतलब इस तरीके की चीज़ें वगैरह मिलने वाली है। सॉफ्ट टॉयज वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि 90 रुपये की सेल रहने वाली है। आगे की तरफ चलें तो भाई काफ़ी कुछ आपको शॉपिंग में मिल जाएंगे। इस तरफ देखो की चैन वगैरह जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ये काफ़ी कुछ यहाँ पे शॉपिंग में लगा हुआ है, इस तरीके के नेकलेस वगैरह ले सकते हैं। ये क्या प्राइस है शूटिंग का? ये 50, 80 और 150। भाई तीन वैरायटी के यहाँ पे आपको इस तरीके के डॉगी वगैरह मिल जाएंगे। आप देखें तो भाई काफ़ी कुछ ये इस तरीके के की चैन वगैरह, की लॉकेट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये स्मोक वाला बिस्किट मिल जाएगा, स्मोक वाला बिस्किट कैसे खिला रहे हैं? 50 रुपये का गिलास मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पे आकर के स्मोक वाला बिस्किट भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरफ देखें तो भाई काफी सारे राइड्स आपको देखने के लिए मिलने वाली है। भाई जॉइंट व्हील देखो, एक इधर जॉइंट व्हील दिख रहा है, एक उधर जॉइंट व्हील दिख रहा है, एक ये रहा वो मतलब चौथा हो रहा, चार चार जॉइंट व्हील यहाँ पे भाई लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, मतलब चार चार जॉइंट व्हील यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे झूला झूलने के लिए मिल जाएगा। तो एक एक करके एक्सप्लोर करने स्टार्ट करते हैं और क्या क्या प्राइस वगैरह रहने वाला है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे भाई देखो ये अनाउंसमेंट हो रही है, तो मतलब आप चावल के दाने पे नाम वगैरह बनवाना चाहें वो भी बनवा सकते हैं। इस तरफ देखें तो हमें आपको कोलंबस वाली राइड देखने के लिए मिल जाती है, और ये देखिए जॉइंट व्हील काफ़ी ऊँचा रहने वाला है। चल के देखते हैं भाई कौन कौन सी राइड वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, सारा कुछ आपको घुमाते हैं, दिखाते हैं, टिकट वगैरह पता करके बताते हैं क्या टिकट रहने वाली है। सबसे पहले पता करेंगे अप्पू कोलंबस की टिकट क्या रहने वाली है। भाई टिकट कितने की है इसकी? 100 रुपये। 100 रुपये की टिकट। ये बड़े बड़े झूले सबकी 100 रुपये की टिकट है? अच्छा भाई, जो बड़े बड़े झूले देख रहे हैं ना अप्पू कोलंबस और इस तरीके से जॉइंट व्हील, सबकी जो टिकट है 100 रुपये की रहने वाली है। भाई ये जो मेला है किस बड़े लेवल पे लगता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चीजें देख सकते हैं, कितनी फोर्स खड़ी है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी उतना ध्यान दिया जाता है, जितने बड़े लेवल पे मेला लगता है ना उतने बड़े लेवल पे यहाँ पे सिक्योरिटी का भी पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। और अभी तक तो घूम करके काफी अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी राइड्स वगैरह देखने के लिए मिलती है और क्या क्या मतलब देखने मिलता है, सब कुछ दिखाते हैं। कोलंबस वाली मैंने राइड आपको दिखा दी, ये जॉइंट व्हील मिलने वाला है जिसकी की 100 रुपये का टिकट रहने वाली है। जितने भी यहाँ पे आप बड़े बड़े झूले देख रहे हैं ना सबकी 100 रुपये टिकट रहने वाली है। ये वाला झूला देख रहे हैं इसकी भी 100 रुपये टिकट रहेगी। इधर की तरफ देखें तो भाई ये जो ये कौन सा झूला रहेगा करके दिखाऊँ तो देख सकते हैं भाई, ये ऊपर की तरफ जाता है और ये देखिए दोनों इस तरीके से हो जाते हैं। 100 रुपये की टिकट इसकी भी रहने वाली है। अभी थोड़ा धीरे हो गया, पहले फास्ट आए। ये वाली राइड भी बड़ी शानदार है यार, ये देखो इस तरीके से जाती है और काफ़ी स्पीड हो जाती है, मतलब काफ़ी स्पीड में चलने लग जाती है। बच्चों के लिए यहाँ पे आपको ट्रैम्पोलिन भी मिल जाएगा छोटा सा, तो बच्चे आपके यहाँ पे भी आके इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए भाई कितना ऊपर जा रहा है अप्पू कोलंबस वाली राइड, जैसे कि नाव वाला झूला भी कहते हैं। ये देखिए अभी तो फुल स्पीड में नहीं चल रहा, जब फुल स्पीड में चलेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा चल करके। उस तरफ देखो तो उस तरफ भी हमें अप्पू कोलंबस मिल जाता है, जो कि थोड़ा छोटे में रहने वाला है। अगर आप ये बड़े वाले में नहीं जाना चाहते तो छोटे वाले में जा सकते हैं उस वाले में। तो यहाँ पे आप ये मनोरंजन वाला गेम भी खेल सकते हैं जिसमें कुछ बॉल्स मिलती हैं, आप इन्हें नंबर डालने होते हैं, ऐड करके जो नंबर आएगा वो इनाम आपको हो जाएगा। कितने रुपये में कितनी बॉल है भैया? 100 रुपये में। 100 रुपये में 6 बॉल मिलने वाली है, आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके के इनाम वगैरह आपको मिलने वाले हैं। देख खेलेंगे भाई, बिल्कुल खेलेंगे। मुझे कहाँ कम आया भाई, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा यार। सपोर्ट नहीं करेंगे, गेम तो खेल यार, सपोर्ट कर, सपोर्ट करेंगे। इतने सारे मेले में जाते हैं, गेम खेलने लगे जेब मेरी ऐसी खा ले जाए। पहली बार आया अपना। चलो जी आगे चलते हैं, और भाई कह रहे हैं गेम खेलो, सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब कर देना नोमेडिक मनीष, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके के शूटिंग वाले गेम मिल जाएंगे, इस तरीके आप निशानेबाजी कर सकते हैं। भाई कितने रुपए कितने शॉट हैं? 100 के 10 शॉट। कोई नाम वगैरह भी है इसमें? अच्छा 100 के 10 शॉट रहने वाले। भाई ने मार दिया, क्या बात है भाई, पहले चांस में उड़ा दिया भाई ने तो। पांचवे तो इस तरीके की आप निशानेबाजी भी कर सकते हैं। इस तरफ देखे तो जो मैंने आपको दिखाया था वो लकी ड्रॉ वाला गेम वो रहने वाला है। इस तरफ आपको रिंग वाला गेम देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कुछ रिंग से मिलती है, जिस प्रोडक्ट पे आप डाल देंगे वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। 100 के 8 रिंग है ना, 100 के 8 रिंग मिलेंगे, जिस भी प्रोडक्ट पे आप डाल देंगे ना वो आपका हो जाएगा। प्रॉपर रिंग पड़ना चाहिए भाई। ये देखो इस तरीके की चीज़ें रहने वाली है। इस तरफ आपको भूत बंगला मिल जाएगा, जिसमें कि बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों नाम इसका भूत बंगला है। इस तरफ देखो भाई ये जॉइंट व्हील रहने वाला है। जॉइंट व्हील भाई यहाँ पे 4-4 मिल जाएंगे आपको, एक जॉइंट व्हील, 2 जॉइंट व्हील, 3रा जॉइंट व्हील और ये देखो 4था जॉइंट व्हील। मतलब मेले की बात करें ना काफ़ी बड़े एरिया में लगा हुआ है, काफ़ी सारे झूले वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे आप। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला झूला भी देखने के लिए मिल जाएगा भाई, जैसे कि रेंजर झूला बोलते हैं। पूरे मेले का ना सबसे खतरनाक झूला यही होता है भाई, देखो ऊपर जाते हैं पूरा पलट जाता है ये। और भाई साहब जो अंदर बैठे हुए हैं ना वो भी चिल्ला रहे हैं भाई।
ओ भाई साहब ये देखो जो इसमें बैठ लिया तो भाई बहुत मतलब हिम्मत वाला ही है। चलो जी आगे देखते हैं आगे कौन सा झूला देखने के लिए मिलता है। तो वो वाला आपको कॉलम्बस देखो भाई कितना ऊपर तक जा रहा है मतलब पूरा एकदम सीधा सा जा रहा है वो देखो। भाई अगर आप टैटू के शौकीन हो तो टैटू भी बनवा सकते हैं यहाँ पे आकर के। तो दोस्तों ये वाली राइड रहने वाली है आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ ये इंजॉय कर सकते हैं तो इस तरीके की रहेगी भाई। भाई टिकट की बात करें तो 70 रुपये की टिकट रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाली राइड भी देखने के लिए मिल जाएगी जिसे कि स्टिंग कार कहते हैं। ये देखो इस तरीके की रहने वाली है भाई इसमें भी काफ़ी इंजॉय करते हैं लेकिन जो इसमें समय है वो काफ़ी कम मिलता है आपको। और पता कर लेते हैं कितनी की टिकट रहने वाली है। आई थिंक 200 रुपये की रहेगी। भाई कितने की टिकट है इसकी? 200 का। कितने देर के लिए? 3 मिनट के लिए। भाई 200 की टिकट रहेगी 3 मिनट के लिए। मैंने कहा था ना आपको 200 की टिकट रहती है इसकी और इस तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। चलता तो मैं आपको दिखता। तो दोस्तों ये रहने वाला है भाई ब्रेक डांस। इसकी टिकट पता कर लेते हैं कितने की रहेगी। भाई ब्रेक डांस की टिकट कितने की है? 100 रुपये की। अच्छा ये 100 रुपये की टिकट रहेगी भाई ब्रेक डांस। तरीके से चलता है भाई और काफ़ी तेज झटके लेता है एकदम से देखिए। तो भाई आपके साथ बच्चे हैं तो ये देखिए बच्चों वाला झूला रहने वाला है मिक्की माउस वाला। भाई कितने की टिकट है इसकी? कितने की टिकट है भाई? टिकट है इसकी 100 रुपये की। 100 रुपये की। अच्छा 100 रुपये की टिकट रहने वाले। ये देखो बच्चों के लिए मिक्की माउस वाला रहने वाला है। काफ़ी इंजॉय करते हैं यार इसमें बच्चे। भाई मेले घूमने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्पेशली तो झांकी वाला सेक्शन था ना जहाँ पे झांकियाँ वगैरह लगाई गई है वो वाला सेक्शन जरूर आप घूमना जब भी मेले में आना तो वो झांकियाँ वगैरह देखना काफ़ी अच्छी मतलब सुंदर झांकियाँ लगाई हुई है। ठीक है दोस्तों ये रहेगा भाई ड्रैगन ट्रेन जिसकी कि 100 रुपये की टिकट रहेगी। कितने में कितने शॉट हैं? 100 के 6 शॉट मिलेंगे आपको। और ये क्या क्या करना पड़ रहा है इसमें? माचिस गिरानी पड़ती है वही गिफ्ट आपका हो जाएगा। अच्छा अच्छा जो गिफ्ट के ऊपर भाई माचिस रखी हुई ना माचिस डिब्बी वो गिरानी होगी आपको जिस पर गिरा दोगे वो गिफ्ट आपका हो जाएगा। ठीक है इसी तरीके की भाई काफी सारे गेम्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लक्की ड्रॉ वाला वही रहने वाला है। और चले आगे तो काफी सारे मतलब यहाँ पे आपको गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सर मैंने रिंग वगैरह दिखा दी। भाई ये आप राइड्स वगैरह करके यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी काफी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं तो थोड़ा चल के देख लेते हैं भाई खाने पीने में यहाँ पे क्या मतलब ऑप्शन वगैरह लगे हुए हैं। इस तरीके से देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये बॉम्बे चौपाटी छोले भटूरे वगैरह देखने के लिए मिल गए हैं ये आप इन्जॉय कर सकते हैं। इस तरफ देखें तो भाई कुल्लड़ वाली चाय वगैरह दिख रही है और ये आई थिंक ये सारा एरिया जो है ये खाने पीने का ही इन्होंने बना रखा है। तो अंदर चलते हैं थोड़ा देखते हैं भाई किस ये फ्रूट वाली आइसक्रीम मिली है। भैया कितने रुपए की रहती है? कितने की रहती है? 100 रुपये की प्लेट है हाफ 60 की है। तो ये फ्रूट वाली आप आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे आकर के इंजॉय कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई कौन कौन सी मतलब चीज़ें वगैरह देखने के लिए मिल जाती है खाने पीने में यहाँ पे आपको। ये क्या क्या चीज़ है भैया? अच्छा कितने में रहेगी? कितने प्राइस कितने का है? 50 रुपये का। अच्छा 50 रुपये का आप इसका भी मजा ले सकते हैं कुल्फी का भी। इस तरीके से देखिए रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे बर्गर वगैरह टिक्की ये देखिए जलेबी वगैरह काफ़ी कुछ खाने पीने में लगा रखा है राम लड्डू मोमोज वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आप आकर के इंजॉय कर सकते हैं। और चाट आइटम की बात करें तो आपको यहाँ पे इस तरीके से गोल गप्पे वगैरह टिक्की वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। और खाने पीने में आपको ये भी मिल जाएंगे। भैया किस चीज़ के पकौड़े? सर ये वेज कबाब है। वेज कबाब है। अच्छा अच्छा जी कबाब रहने वाला है। क्या प्राइस है भैया इसका? 150 का ये आपको वेज कबाब मिल जाएगा। इस तरीके की चीज़ें वगैरह भी खा सकते हैं। भैया क्या चीज़ है? चीला है चीला। अच्छा क्या प्राइस है इसका? 100 रुपीज़। कितना बोल रहे हो? 100 रुपीज़। 100 रुपये का रहने वाला है। वही देखो ये चिल्ला रहने वाला है। ठीक है काफ़ी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको खाने पीने के काफ़ी ऑप्शन लगा रखे हैं। इस तरीके से आप कुलचे वगैरह चाहें कुलचे वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखो ये सारा जो इन्होंने एरिया बना रखा है ये सारा खाने पीने का बना रखा है। यहाँ पे आपको खाने पीने में फायर पान भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप फायर पान भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखो बनारसी पान तो यहाँ पे बनारसी बाबू पान। ये देखो क्या प्राइस रहने वाला है भैया? 30 रुपये का। अच्छा अच्छा ये 30 रुपये का रहने वाला है फायर पान। ठीक है भैया कौन कौन सी वैरायटी के पान है आपके पास? चॉकलेट फायर बटरस्कॉच पाइनएप्पल मैंगो स्नो। अच्छा 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 ये वाली वैरायटी की मतलब आपको पान यहाँ पे मिल जाएंगे आप इंजॉय कर सकते हैं। देखो छोटू खाने वाला फायर पान थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। हाँ आराम से करेंगे ये वो डर रहा है वो
बस भाई आज के इस ब्लॉग में इतना ही, आशा करता हूँ आपको जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। मेले से संबंधित सारी जानकारी दे दी, अगर कुछ फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। इस मेले में आप आ सकते हैं, 7 तारीख तक यानी जन्माष्टमी तक ये मेला लगा हुआ है, काफी बड़े स्तर पे लगा हुआ है। फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और स्पेशली जो झांकी वाला सेक्शन था ना, वहाँ पे मतलब जाना मत भूलिएगा भाई, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। काफी सारे हमने जन्माष्टमी मेले भी कवर किए हैं, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, उनके ब्लॉग्स भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दिल्ली सर के ब्लॉग्स वगैरह हम लाते रहते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।